के साथ। कोरोना महामारी के चलते दिहाड़ी मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बहुत सारे दिहाड़ी और प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्था लोक समिति और आशा ट्रस्ट कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से मदद के लिए सामने आए हैं। शुक्रवार को आदर्श ग्राम नागेपुर स्थित लोक समिति कार्यालय में क्रिप्टो रिलीफ इंडिया के सहयोग से 60 जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। जरूरतमंदों को दैनिक जीवन यापन की जरूरत की चीजें वितरित की गई, साथ ही साथ मास्क का वितरण भी किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया गया तथा नियमित मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समय से कोरोना का टीका लगाने के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर नंदलाल मास्टर, रामबच्चन, शिवकुमार, पंचमुखी, श्याम सुंदर, अमित, सोनी, मंजीता, सीमा, अनीता, आशा, सुनील एवं अन्य वॉलंटियर मौजूद रहे। रिलीफ इंडिया के तरफ से कुछ राहत सामग्री जो गांव के बेहद कमजोर गरीब जैसे विधवा, विकलांग, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको राहत सामग्री दी जा रही है। क्रिस्पो रिलीफ इंडिया के द्वारा जो ये ख़ास तौर से जो राहत सामग्री तैयार की गई है, जिसमें चावल है, आटा है, दाल है, चीनी है, सोयाबीन है, चाय है, नमक है, मसाला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये गरीबों के लिए एक राहत का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम गांव के लोगों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगातार पहने और साथ ही साथ वैक्सीन जो है लगाने के लिए सब लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। सच के साथ।